हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य चौधरी। गाइस, आज मैं एक नई ब्रीड दिखाने वाला हूँ। वो ब्रीड शायद मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी होगी। तो ये ब्रीड भाई कौन सी ब्रीड है भाई? ये मिनिएचर प्रिंचर। तो भाई ये बिल्कुल डॉबरमैन की तरह लगता है, बिल्कुल डॉबरमैन की तरह लगता है ये ब्रीड। वैसे टाइप की है, तो एक बार नीचे रखना भाई इसे। ये देखो गाइस, बिल्कुल डॉबरमैन की तरह रख रहे। देखो कितना छोटा सा है। ये देखो भाई, देखो इसकी चल, इसकी देखो। तो भाई इनकी हाइट इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। तो वैसे इसकी हाइट इतनी रहेगी। और ये मतलब ये इसकी टेल कट करी है। अच्छा, तो वैसे ये देखो कितना क्यूट। तो इसको डाइट क्या दे रहे हो आप इस ब्रीड को? डाइट इसको जैसे फीड, दही, ओके, और इसके जो कैल्शियम वगैरह जो सप्लीमेंट होते हैं इसको, जो स्पोर्ट कंडीशन के लिए जो चाहिए। ओके ओके। तो ये ब्रीड कैसी है, मतलब घर में पालने के लायक कैसी है? अच्छी है, बहुत प्यारी है, और प्यार लेती भी है और गार्ड भी करती है। जैसे आपने देखा मैंने उठाया है, उठाया बिल्कुल। पकड़ोगे तो इसका ध्यान से मेरे पास ही होगा भी, जी मैं मालिक के पास। ओके ओके। काफी अच्छी ब्रीड है, एक्टिव ब्रीड है काफी, मतलब पालने लायक है घर में। बिल्कुल, कई लोग डरते हैं शायद ये दिखने में, जो काटे की देखे, बहुत अच्छी प्यारी ब्रीड है और बहुत प्यार लेती है घर में फैमिली के साथ। बिल्कुल। तो भाई ये जैसे ये ब्रीड है, ये ब्रीड मतलब बहुत ही कम देखी जाती है, मतलब बहुत कम लोगों के पास है। तो इसके उसके क्या कहना चाहोगे आप? जैसे मतलब क्यों नहीं पाल रहे लोग, मतलब क्यों नहीं है? ज्यादा लोगों को क्या है, पग है, जर्मन शेफर्ड है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब कॉमन ब्रीड है, हर किसी के पास मिल जाएगी। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, लोग जैसे ब्रीड देखते हैं उनको पता चलता है। जैसे मेरे पास भी ये फर्स्ट है, पहले मैं सेंट बर्नार्ड रखता था। ओके, ओके। और अभी ये फर्स्ट लोग है मेरे पास, भूपिंदर सिंह राजा से लिया था मैंने। इसका बाप जो काफी विनिंग की है उसने, जो का नाम है उसका, ओके, उनसे लिया है। और जैसे मैंने अभी लिया है, मैं गुरदासपुर से हूँ, और लोगों को ये ब्रीड जैसे देखते हैं काफी पसंद है, काफी पसंद आती है। धीरे धीरे जैसे लोगों देखते हैं फिर वो डिमांड करते हैं, ऐसा लोग लेना है। जो ब्रीड देखेंगे नहीं बिल्कुल, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? सही बात है। तो भाई ये ब्रीड देखो कितना क्यूट सा लग रहा है भाई, बिल्कुल डॉग, बिल्कुल भाई डोबरमैन की तरह। देखो तो मतलब थोड़ी सी एग्रेसिव ब्रीड नहीं होती ना ये? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मेरे पास तो बिल्कुल ठीक है, मैंने 3 मंथ का लिया था, लेकिन देखो खाना वगैरह खाने कुछ भी, जैसे वैसे डॉग इसका बॉल उठाओ खाने वाला कुछ नहीं काटता। ओके। और घर में कोई आता है उसको मतलब गार्डन वगैरह जैसे भोंकता है, एक्टिव है काफी। ओके। तो ये कितने दिन का, कितने मंथ का होगा ये पप्पी? 11 मंथ का पप्स हो चुका है गाइस। तो भाई आपने कितने में ली थी ये पप्स? ये मैंने ली थी 30,000 में। 30,000 रुपये में? अच्छा, पेयर। अच्छा, तो इसकी ब्रीडिंग भी कर रहे हो आप? नहीं अभी तो, अभी नहीं कर रहे। छोटा भी है और फर्स्ट टाइम मेरे पास है, फीमेल तो नहीं है, अभी मेल ही है मेरे पास। ओके ओके। ये मेरे मतलब 10-15 साल का पहला डॉग है ये ब्रीड का। ओके, तो गाइस 10-15 साल में धीरे धीरे मतलब ब्रीडिंग की सोच रहे हो? बिल्कुल करेंगे इसको। अच्छा, अभी रिंग पे ले जाना है? बिल्कुल, रिंग के लिए लेके आए, रिंग पे करेंगे इसको। अच्छा, तो भाई यहाँ पे भाई रिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो भाई देख रहे हो कितना क्यूट सा है। तो इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम मैंने रॉक रखा है। अच्छा, रॉक। तो रॉक क्या नाम, क्या सोच के रखा है रॉक? एक्चुअली मैं जिस भाई से मैंने लिया था, जिनसे उन्होंने इसका पेपर में नाम रोक रखा हुआ, तो मैंने फिर इसका रोक ही रख दिया पेपर में। हां, फिर मैंने वही जो पेपर में नाम था मैंने वही नाम रखा। और वैसे ये मतलब मुझे काफ़ी पसंद आई ये ब्रीड, मतलब छोटा, ये कह सकते हैं डॉबरमैन, छोटा डॉबरमैन कह सकते हैं। जगह भी कम घेरता है, साफ सुथरी ब्रीड है, आप देख लो। हाँ। दो ही गंदा नहीं होता, शूशू पोटी भी सब कुछ, ये इतना समझदार है, बाहर ही करता है, बाहर ही करता है। अच्छा अच्छा, ये वॉच डॉग है, ये गार्ड डॉग है? गार्ड दोनों ही कह लो आप। अच्छा, दोनों ही, मतलब जैसे आप इसको रखो, रख रखाव के डिपेंड है। अच्छा, मतलब का मैंने पहले मैं भी डरता था। हाँ, ओके। जैसे मैं कोई और ब्रीड रखता, लोगों ने मुझे बताया भी ये थोड़े अग्रेसिव हैं। ओके। तो लेकिन मुझे तो ये बहुत मतलब अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब इसके बारे में मैंने पहले थोड़ा स्टडी की, इसके बारे में जाना फिर थोड़ा सा, तो फिर मैंने देखा और मैंने जब लिया अभी तो पता चल ही चुका है कैसा है। और काटते तो कई रोड लैब्राडोर भी काट देते हैं। हां बिल्कुल, लैब्राडोर पे डिपेंड है, रखने ऊपर डिपेंड है। आप बच्चों के लिए अगर रखनी है काफी अच्छी है, बस इसको प्यार दो तो प्यार लो। बिल्कुल सही बात है। इसको ध्यान टाइम नहीं देंगे वो तो फिर गिलापन, फिर वो अग्रेसिव, कोई अग्रेसिव कोई सी। बिल्कुल सही बात है। तो बस ये देखो इस ब्रीड को,
कितनी क्यूट सी लग रही है भाई। मैंने कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, छोटा सा है, देखो गाइस क्या मतलब कितना छोटा सा क्यूट सा बच्चा लग रहा है भाई। एक बार देखो, अगर ऐसे भी होता तो आप हाँ बिल्कुल गाइस काट देता। गाइस जैसे देखो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और भाई मैं इसे टच कर रहा हूँ, इसके साथ खेल रहा हूँ, मेरे को नहीं काट रहा, तो सोच रहा हूँ मतलब कितना फ्रेंडली डॉग है और वो काट भी नहीं रहा। देखो ये देखो मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसे टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। कैसे ब्रीड कैसी लगी? अगर ब्रीड अच्छी लगी हो तो चैनल कर देना लाइक। चैनल कैसे ब्रीड कैसी लगी? अगर वीडियो भी अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।